हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय ब्लॉग चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट है, ब्लॉग को पूरा देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, और जितने भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख लो, ये अलमारी सारी फैली हुई थी मेरी, तो मैंने सोचा चलो आज मैं अलमारी का ही साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि सारे कपड़े उलट पुलट हो गए थे, क्योंकि रक्षु के पापा कपड़े निकालते हैं ना, सारे बिगाड़ देते हैं हमेशा। और मैं तो अपने इसमें नए नए सूट ही रखती हूँ, पहनने वाले कपड़े मैं अपने बेड में रखती हूँ हमेशा, तो रक्षित के पापा के हमेशा रखती हूँ मैं। देख लो यहाँ पे मैं लगी हुई थी काम में, मैं कहा चलो थोड़े कपड़े तय वह करके जो बिगड़े हुए थे, मैं कहा चलो समेट के रख देती हूँ। और ये ना मेरा पुराना व्लॉग है, नया व्लॉग नहीं बनाया हुआ है, बहुत पहले का व्लॉग है, क्योंकि अब तो ये रूम बंद रहता है, हम लोग इस रूम में एंट्री नहीं करते हैं, ना हम जाते हैं और ना हम कभी शायद जाएंगे, क्योंकि देखो एक बार कोई हमें धिक्कारता है ना, तो मेरे को मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी प्यारी है कि मैं उस चीज़ को दोबारा नहीं करूँगी, ठीक है। हाँ, हारी बीमारी मजबूरी हुई तो वो चीज़ अलग है, देखो ठीक है ना। तो बाकी कोई नहीं था, कोई महल तो है नहीं जी जो हमारे से मतलब भाई हमें एंट्री नहीं करने देते, कोई बात नहीं। मैं तो अपने बेटे के साथ खुश हूँ, अपने छोटे से रूम में कोई दिक्कत नहीं है। अगर लोग भाई ताला लगा के घूम रहे हैं इसमें, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, उनका खून बद रहा है, हाँ तो खुश रहना तो अच्छी बात है, खुश रहो जी, आप भी खुश हम भी खुश है ना। पर मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से, बस इतना और हो जाए कि भाई एक दूसरे को देखने भी ना पाए, ऐसा दिन आ जाए, कति इतनी दूर हो जाए, मैं तो ये चाहती हूँ सच में। मैं कति झांकूंगी भी नहीं कि कौन कहाँ पड़ा है, कौन कहाँ नहीं पड़ा, क्योंकि मतलब इतनी आत्मा दुखा रखी है ना, इतनी आत्मा दुखा रखी है, मैं आपको बता नहीं सकती। बाकी कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, समझ होती है, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो। अब तो खैर मेरी अलमारी का मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने अपनी अलमारी देखी नहीं है। अब तो शायद जब कहीं अलमारी शिफ्ट होगी तभी मैं अपनी अलमारी को हाथ लगाऊंगी, वरना मैं अपनी अलमारी को, अपने सोफे को, हम इन चीज़ों को कभी हाथ नहीं लगाऊंगी जब तक वो मेरे पास मेरे रूम में ना आ जाए। बाकी कोई नहीं, त्याग दी मैंने तो, चीज़ें खराब हो जाएंगी तो खराब हो जाएंगी भाई, क्या कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ कपड़े वपड़े जचा रही थी मैं, मेरा पुराना ब्लॉग पड़ा है, क्योंकि थोड़ा माहौल ऐसा हो गया ना, मन नहीं करता ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी, और कुछ व्यूवर्स भी अच्छे नहीं आ रहे हैं, और कुछ अच्छा मैं बना नहीं पा रही हूँ, मन ना उदास रहता, खुश नहीं रहता, क्योंकि एक तो मेरा भाई भी बीमार है, ऊपर से मुझे दुखी करने वाले इतने लोग हैं कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। यहाँ पर आ गई थी मैं सब्जी काटने, मैं कहा चलो बैंगन आलू बना लेते हैं आज, तो मैं सब्जी काट रही थी बैठ के, मैं कहा चलो अलमारी तो साफ कर दी थी, फिर मैं कहा चलो मैं सब्जी वब्जी बना लेती हूँ। फिर यहाँ पर आ गई थी मैं, सब्जी तो मैंने बना ली थी, मैं कहा चलो अब रोटी बना लेती हूँ, तो मैंने चूल्हे पे रोटी बना ली थी, तो मैं कहा चलो देखो पैरों में ना मैंने जुराब पहन रखी, क्योंकि ना रसोई में मच्छर बहुत काट रहे थे, तो मैंने तो पैर ही ढक लिया, मैं कहा लो काटो आप, किसको काटोगे। तो यहाँ पर मैं चूल्हे पर रोटी बना रही थी, मैं कहा चलो बना लेती हूँ, फुर्सत हो जाएगी अपना, यह है कि मैंने सबकी रोटी बना ली थी यहाँ पर। तो यहाँ पर ना मेरी रोटी बनने वाली थी, तो मैंने सोचा चलो खुद को थोड़ा सा शूट कर लिया जाए, क्योंकि अकेले में खुश रहना चाहिए, चाहे कोई साथ हो या ना हो, खुश रहो बस, सबको खुश रहना चाहिए। बदल यहाँ पर देख लो, ये डांगरों को पानी पिला रहे थे, तो गाय खुली हुई थी, पता ही उठा के फेंक दे अगर इसके आगे चले जाओ तो, बहुत डर लगता है इस गाय से मुझे तो, ये मार देती है। ये देखो भैंसे पानी पी रही थी, और रक्षु मेरा ट्रैक्टर पर बैठ के खेल रहा है, और यहाँ पे सारी भैंसे पानी पी रही है, ये पागल है, ठीक है पागल फ्रेंड्स, ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलेंगे मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, तो बाकी कोई कमरा सपोर्ट साफ तो कर कोई लूं कर ही मैं नहीं तो, रहे हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, अलमारी ठीक है सेट कर फ्रेंड्स, बाय लूंगी, बाय, टेक केयर। सारी भी फ्री पड़ी है।